वेलकम टू माय चैनल आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर तो चलिए आज की इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा चिली पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ 200 ग्राम पनीर लेंगे पनीर को हम इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेंगे तो आप एक बाउल में सारे पनीर को डाल दें पनीर डालने के बाद हम इसमें दो चम्मच कॉर्नफ्ला डालेंगे कॉर्नफ्ला डालने के बाद इसमें एक चम्मच मैदा डाल दें मैदा डालने के बाद इसमें एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे फिर इसमें एक चौथाई चम्मच नमक डाल दें नमक डालने के बाद हम इसमें आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे ये काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है इससे तीखा कम होता है कलर ज़्यादा आता है अब हम इन सभी को अच्छी तरह से चम्मच से मिलाकर हाथों से इस तरह से मिला देंगे हमें अच्छी तरह से पनीर में मैदे और कॉर्नफ्लर को कोट कर लेना है इसके लिए हम क्या करेंगे दो चम्मच पानी डालेंगे इस तरह से और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इससे क्या होगा कि पनीर में अच्छी तरह से मैदा और कॉर्नफ्लावर कोट हो जाएगा तो ये देखिए इस तरह से हम इसे मिला लिए हैं अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में पनीर को फ्राई करने के लिए यहाँ हम पैन में तेल चढ़ाएँ तेल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें एक एक करके सारे पनीर को डाल देंगे पनीर डालने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर गोल्डन और क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे पनीर को हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है इस बात का ध्यान रखें एक मिनट के बाद हम सारे पनीर को पलट देंगे जैसे ही इसका कलर हल्का सुनहरा हो जाएगा तो सारे पनीर को आप इस तरह से पलट दें इसे फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है तीन से चार मिनट के बाद हम देखेंगे कि इसका कलर गोल्डन हो गया है और क्रिस्प भी हो गया है ये देखिए हम आपको दिखाते हैं तो अब हम क्या करेंगे सारे पनीर को निकाल लेंगे किचन पेपर टॉवल पर ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा है तो सारे पनीर को किचन पेपर टॉवल पर निकाल लें अब हम इसी पैन में क्या करेंगे दो चम्मच तेल लेंगे तेल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें सात से आठ लहसुन को बारीक काट करके डालेंगे और आधे इंच अदरक को ग्रेट करके डालेंगे फिर हम इसमें दो हरी मिर्च को इस तरह से लंबाई में कट करके डाल देंगे अब हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च को कुछ सेकेंड के लिए पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर आप इसे कुछ सेकेंड के लिए पका लें अब हम देखेंगे कि अदरक लहसुन और हरी मिर्च थोड़ा सा पक गया है तो हम इसमें एक छोटे साइज़ की प्याज को इस तरह से क्यूब्स में कट करके डाल देंगे फिर हम इसमें एक चौथाई कप शिमला मिर्च डालेंगे शिमला मिर्च को भी आप इस तरह से ये देखिए क्यूब्स में कट कर लें और उसके बाद इसमें डाल दें अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर बस दो से तीन मिनट के लिए फ्राई करेंगे ज़्यादा इसे नहीं फ्राई करना है अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन का वाइट वाला पार्ट है तो आप उसे भी कट करके डाल सकते हैं एक मिनट के बाद अब हम क्या करेंगे इसमें स्प्रिंग ऑनियन का ये हरा वाला पार्ट थोड़ा सा डाल देंगे ये इसमें ऑप्शनल है अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसमें डालें अब हम क्या करेंगे बस इसे दो मिनट के लिए पका लेंगे और उसके बाद इसमें सारे सॉस ऐड करेंगे अगर आपके पास पीली या लाल वाली शिमला मिर्च है तो आप इसे भी डाल सकते हैं तो सबसे पहले इसमें दो चम्मच टोमेटो केचप डाल दें टोमेटो केचप डालने के बाद इसमें एक चम्मच डालेंगे रेड चिली सॉस रेड चिली सॉस डालने के बाद इसमें दो चम्मच डार्क सोया सॉस डाल दें सोया सॉस डालने के बाद इसमें एक चम्मच वेनेगर डालेंगे ये देखिए एक चम्मच वेनेगर डाल दें अब हम इसमें आधे चम्मच सेजवान सॉस डालेंगे सेजवान सॉस डालना इसमें ऑप्शनल है सारे सॉस को डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से प्याज और शिमला मिर्च में मिला देंगे गैस का फ्लेम हम मीडियम हाई रखेंगे इसे पकाना नहीं है बस सारे सॉस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तभी आप इसमें सेजवान सॉस डालें और नहीं तो स्किप कर दें इन सभी को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें एक तिहाई चम्मच नमक डाल देंगे ध्यान रहे कि नमक पनीर में भी हम डाले थे तो उसी हिसाब से डालें फिर इसमें एक तिहाई चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दें एक चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे इससे कलर बहुत अच्छा आता है अब हम इन सभी को अच्छी तरह से मिला देंगे इसे हमें पकाना नहीं है बस अच्छी तरह से कुछ सेकेंड के लिए पका लेना है यहाँ हम ड्राई चिली पनीर बना रहे हैं इसीलिए इसकी ग्रेवी के लिए हम कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल नहीं किए हैं सॉस से ही हम ग्रेवी बनाकर तैयार किए हैं अब हम क्या करेंगे इसमें सारे फ्राई किए हुए पनीर को डाल देंगे तो ये जो पनीर को फ्राई करके रखे थे इसे डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिला दें गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से मिला देंगे अगर आप ग्रेवी वाली चिली पनीर बनाना चाहते हैं तो एक चम्मच कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी मिलाकर इसमें डाल दें और उसके बाद फिर पनीर को डालें अब हमें इसे बस आधे मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है इसे हमें पकाना नहीं है बस अच्छी तरह से इसे इस तरह से मिला लेना है तो ये देखिए एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ड्राई चिली पनीर बनकर तैयार है बहुत ही क्रिस्पी बना है ये अब हम क्या करेंगे गैस ऑफ कर देंगे और इसमें थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन का ये हरा वाला पार्ट कट कर करके डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे तो ये देखिए चिली पनीर बनकर तैयार है अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के लिए तो आप इस चिली पनीर को गर्मा गर्म वेज स्टार्टर में सर्व करें इसे बनाना भी बहुत आसान है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है तो आप इस चिली पनीर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें